चलो तो न्यूज 36 में लगातार पल पल के अपडेट आप मन ला बतावत हन। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह ले जो रुझान आवत है, नतीजा आवत है, ओला आप मन तक पहुंचाए के प्रयास करत हन। और यही कड़ी में अब धमतरी ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा हमार संग जुड़त हवे। उखर कना गोल्ड बात करबो कि आखिर धमतरी में का कुछ माहौल है। चलो सीधा चलथन धमतरी, धमतरी में जुड़त है हमारे डिजिटल रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा। चंद्र प्रकाश जी, का कुछ हाल है धमतरी में, का कुछ अपडेट है अब तक की अगर बात करी तो? जी प्रकाश जी, आप मतलब बता दो धमतरी 40 वार्ड है। अब ये 40 वार्ड में अभी तक जो हमें जानकारी मिले हवे इनमें कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो 20 से कांग्रेस प्रत्याशी अभी आगू चला था और भाजपा के प्रत्याशी आगू हवे और एक में बसपा के जो प्रत्याशी और चार जो वार्ड है इनमें कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त चला था। वे बता दो धमतरी में 5 नगर पंचायत है जिनमें है आपके नगर पंचायत में 15 वार्ड है जिनमें कांग्रेस के 12 वार्ड में कांग्रेस के कब्जा हो चुके हैं और एक वार्ड में भाजपा के कब्जा है और 3-2 में निर्दलीय प्रत्याशी के कब्जा हो चुके हैं। और बात करबो अपन नगर पंचायत नगरी के, यहाँ 15 वार्ड में भाजपा के 9 प्रत्याशी के कब्जा हो गए है और 6-6 में कांग्रेस प्रत्याशी के कब्जा हवे। बात करबो मगलडोड नगर पंचायत में जिमे भाजपा के 4 प्रत्याशी कब्जा करे और कांग्रेस के 8 प्रत्याशी कब्जाऊ, 3 निर्दलीय। तो कुल मिला के देखा जाए तो नगर पंचायत मगलडोड में कांग्रेस जो है कब्जा करके में कब्जा कर ले है। और बात करबो अपन भखारा के, भखारा में 15 वार्ड है जिमें भाजपा के 13 प्रत्याशी कब्जा करे है और एक वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी है और एक वार्ड में निर्दलीय। तो टोटल मिलाकर अपन देखन तो भखारा नगर पंचायत में भाजपा कब्जा करे हवे। और वही बात करबो अपन आमदी नगर पंचायत में 15 वार्ड है जिमें भाजपा के 8 प्रत्याशी कब्जा करे है और 6 वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर पंचायत आमदी में भाजपा पुनः कब्जा करे हवे। और बात कर वो अभी तरी नगर निगम के, तो धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड है तो 40 वार्ड में 20 वार्ड में जो है कांग्रेस प्रत्याशी आगे हवे और 12 वार्ड में जो भाजपा प्रत्याशी आगे हवे। वार्ड में जो है अपन भाजपा प्रत्याशी आगे चला हवे और चाहे के में कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त अभी टक्कर चला था। जी प्रकाश जी, जी चंद्र प्रकाश जी, और एहू देखे जाते अगर हमन रायपुर नगर निगम की बात करी तो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता मन है वो मन भी पाछू चलत नजर आई है। जैसे अगर बात करी रायपुर में मेयर प्रमोद दुबे है वो मन पाछू रही है, तो ऐसे अगर धमतरी की अगर बात करी तो धमतरी के जो प्रमुख प्रमुख जो दिग्गज जन मन खड़े रही है उखर का कुछ हाल है धमतरी में? जी प्रकाश जी, आप मतलब बता दो जो हाल रायपुर के है हाल हमारा अभी कुरुद में हावे भाजपा जी में लंबा समय से कब्जा जमात बैठी से आज नगर पंचायत में भाजपा के सुफड़ा साफ हो गए है। जहां मतलब बता दो भाजपा के 15 वार्ड 12 में कांग्रेस जो कब्जा कर चुके हैं और एक वार्ड में भाजपा और 2 में प्रत्याशी कब्जा कर ले। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो निशापुर कहा वैसे स्थिति अभी मिला था वे। जी जी चंद्र प्रकाश, और अगर बात करी ये नगरी निकाय चुनाव के, तो भले ही नगरी निकाय चुनाव में शहर के विकास के बात होते, छोटे छोटे मुद्दा के बात होते, सड़क पानी बिजली के बात होते, फिर ये नगरी निकाय में यही देखे पर मिली से कि जो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा है ओखरो बात चली से, चाहे हमन बात करी CAA के, चाहे NRC के, वो सब के भी बात चली से। लेकिन अगर बात करी धमतरी में, तो धमतरी की जो जनता रही से, जो शहरी विकास ला जिन मन चाह थे उखर का कुछ मुद्दा रही से, और अपन ये जो पार्षद प्रत्याशी है उखर का कुछ उखर मांग रही से? जी प्रकाश जी, आप मतलब बता दो धमतरी में 132 साल से, करीब 132 साल से भाजपा काबिजरी से, और ये है कि अभी कांग्रेस में बढ़त बनाए हवे। अभी हमारे पास अभी रिजल्ट नहीं है, वर्तमान रिजल्ट के आधार पे कांग्रेस जो है अभी दबदबा बना के रखे हवे। और एक कारण है कि जो है अपना 132 साल से काबिज है, तो जनता जो है विकास के जो बात घट रही थी, आज जो है धमतरी की दुर्भाग्य कहा जाए प्रकाश जी, जब भाजपा के सत्ता रही से तो कांग्रेस की विधायक यहाँ जो है जीत के आदरी से, और जब कांग्रेस की सत्ता है तो यहाँ भाजपा की विधायक जीत के, और यही
राजनीतिक द्वेष के चलते तो धमतरी के विकास हो गए, वो धमतरी के विकास नहीं हो पाए है। और कहीं ना कहीं जो है नाराजगी जनता मन अभी ये नगरी निकाय के चुनाव में आप मतलब देखे पर मिले, जहाँ 132 साल के काबिज भाजपा कहीं ना कहीं टक्कर दे थे और कांग्रेस जो है आगे हावे। जी प्रकाश जी, जी जी चंद्र प्रकाश, और अगर बात करी तो अभी तो बस शुरुआती रुझान माने जाए या फिर अभी आओ अगर थोड़ा देर अगर हम इंतजार करें तो नजारा कुछ बदल सकते धमतरी में। जी प्रकाश जी, अभी जिन वार्ड में हमन अभी सर्वे करते हैं वहाँ वार्ड में जहाँ भाजपा प्रत्याशी आगे से अभी सुने भाजपा प्रत्याशी के फिर पिछड़ चुके हैं, तो कहीं नहीं कि कसम कस अभी धमतरी निगम में चलत है जहाँ टक्कर है और जो दबदबा कहा जाए तो कांग्रेस की दबदबा धमतरी नगर निगम में देखे पर मिला था वे। जी जी चंद्र प्रकाश, और आप मन के द्वारा ही हमला ये बात भी पता चली से कि जो नगरी निकाय चुनाव रही से उमा तरह तरह के जो दांव पेच है वो चलत रही से। अगर बात करी अभी पाछू एक दिन पहली के ही बात करी तो धमतरी विधायक जो रंजना साहू है ओमन ये बात उठाए रही से कि जरूर कहीं ना कहीं चुनाव ला प्रभावित करे के बात चलत है शराब के माध्यम ले, तो का कुछ ये नजारा रही से धमतरी में और का आप मतलब लगते कि धमतरी के जो जनता है ये सबला स्वीकारी सोही या फिर सिरे से नकार दे सोही। जी प्रकाश जी, ये बात सही है कि चुनाव के एक दिन ली जो है भाजपा के कार्यकर्ता धमतरी विधायक रंजना डिपेन साहू जो है सूचना मिली तो एक धमतरी एसडीएम तहसीलदार और अबकारी विभाग सूचित करी तो वहां तत्काल अबकारी विभाग एसडीएम पहुंचीस, लेकिन जिन मांग धमतरी विधायक रंजना डिपेन साहू कर रही थी कि वो गोदाम के तौर के कार्रवाई करे जाए, लेकिन लैंड ऑर्डर के मामला हो ले जब तक न्यायालय से नहीं आई तब तक जो है इसमें कार्रवाई नहीं करेगी से। और कहीं ना कहीं भाजपा ही आरोप लगाती से कि नगर निगम चुनाव में जनता ला रुझाए बर कई पार्टी के द्वारा शराब साड़ी और साल बाटी की शिकायत भाजपा करे तेरी से। और कहीं ना कहीं अभी जिन हिसाब से रिजल्ट हमारे बीच में सामने आवा थे निकल के, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा प्रमुखता से रख सकते प्रकाश जी। जी बिल्कुल, भाजपा प्रमुखता ले रख सकत है। अब देखे वाला बात हो ही जीत काखर होते, कबर की हमेशा यही देखे पर मिलते जब जीत होते तो सब कुछ अच्छा रहते, जब हार होते तभी दुनिया भर के परेशानी आगु आते। फिलहाल ये जो पूरा जानकारी रही आपन दिए हो चंद्र प्रकाश, इखर पर आप मन के शुक्रिया और लगातार आप मन बने रहो, आप मन से अपडेट हमन लेत रहो, ये पूरा जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। चलो तो हमारे संग बने रहिन है धमतरी ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा, लगातार पल पल के अपडेट आप मल्ला हमन बतावत हन न्यूज 36 मा, तो आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।